हेलो दोस्तों, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडियल और हेल्दी नोज। दोस्तों, हर आदमी की इच्छा होती है मेरा नोज आइडियल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दोस्तों, आज हम वो बात करेंगे, तीन टिप्स। क्या वो तीन टिप्स हैं जिससे आप कह सकते हो प्राउडली कि माई नोज इज़ हेल्दी एंड आइडियल नोज। सो यू कैन से देन माई नोज इज़ माई लाइफ। दोस्तों, नंबर वन, आपकी नोज से बाइलेटरल दोनों तरफ जो है बराबर ब्रीदिंग होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा नोज जो गॉड ने बनाया है उसके बीच में एक पतली बोन होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, एंड नोज में हमारे दोनों तरफ या नेजल वाल्व होते हैं और उन वाल्व से हमारे को बराबर ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर आपको नोज से बराबर ब्रीदिंग नहीं होती है, आपको मुंह से ब्रीदिंग होती है, आपको स्नोरिंग होती है, तो नोज हेल्दी नहीं है। सो नंबर वन, बाइलेटरल दोनों तरफ से नोज से बराबर ब्रीदिंग होनी चाहिए एंड नेजल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। नंबर टू, दोस्तों, हमारे को जो हमारा बाह्य वातावरण में है जो भी खुशबू बदबू हमें यो है अकॉर्डिंग टू सारी अप्रिशिएट होना चाहिए। दोस्तों, हमारे गॉड ने जो हमारा ऊपर का जो नोज का अंदर का जो एक तिहाई हिस्सा है उसमें हमारे नोज को स्मेल के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए, बदबू के लिए बनाया गया है कि उससे हमें पता लगता है। दोस्तों, ये हमें अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमें पता होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट होना चाहिए। सो एक हेल्दी नोज के लिए नंबर टू टिप्स। दोस्तों, नंबर थ्री, अगर हम बात करते हैं तीसरे टिप्स की, दोस्तों, हमारा नोज़ फंक्शनल के साथ के अंदर जो कॉस्मेटिकली भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, यानी हमारा दो नोज जो है वो हमारा जो हमारा रेस्ट ऑफ फेस है, जो हमारा बाकी जो चेहरा है उससे फेशियल हार्मोनी होना चाहिए, यानी उससे बिल्कुल उसके फीचर्स हैं उसमें समायोजित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा नोज जो है मिड लाइन में नहीं हो, हमारा टिप ठीक नहीं हो, हमारे नोज के अंदर बैंड हो, हमारा नोज बहुत चौड़ा हो, हमारा टिप नीचे झुका हुआ हो, या हमारा नोज का जो ब्रिज है वो बिल्कुल बैठा हुआ हो, या उस पर बहुत ज़्यादा बम्प हो। दोस्तों, यानी हमारा जो नोज है वो रेस्ट ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर है उससे हारमोनी में होना चाहिए। सो ये तीन जो चीज़ें हैं दोस्तों, नेजल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, बराबर हमें ब्रीदिंग होने चाहिए, हमारे नोज से खुशबू बदबू बराबर पता लगना चाहिए, एंड नंबर तीन, हमारा नोज जो है रेस्ट ऑफ फेशियल फीचर से मैच करना चाहिए, तो हम प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरा नोज आइडियल एंड हेल्दी है। दोस्तों, हमारे नोज जो गॉड ने बनाया है उसके दो फंक्शन हैं। फर्स्ट, जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग, यानी हमारे जो है बॉडी का जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसका नोज हमारा रिसेप्शन होता है, इसलिए हमारे को ब्रीदिंग होती है। सो वो ब्रीदिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड जो दोस्तों फंक्शन है, जस्ट टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ स्मेल, एंड थर्ड, जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी ऑफ फेस, यानी हमारे चेहरे की सुंदरता। सो दोस्तों, आप ये जान सकते हैं कि मेरा नोज आइडियल है और हेल्दी है। अगर आइडियल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो दोस्तों आप अपने नोज के डॉक्टर से उचित आप सलाह ले सकते हैं। एंड जाने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक नोज सर्जरी से रिलेटेड उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।